नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आंख हमारे शरीर का एक बहुत ही नाजुक हिस्सा होती है, जो शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में एयर पॉल्यूशन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है। हालांकि वायुजनित दूषित पदार्थों के लिए आंखों की प्रतिक्रिया बिना किसी लक्षण से लेकर गंभीर जलन और पुराने दर्द तक होती है। यहां तक कि जब कॉन्टेक्ट लेंस भी इस्तेमाल में होते हैं, तब भी आंखें इन प्रभावों के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। हर लिहाज से बढ़ते एयर पॉल्यूशन का हमारी आंखों पर भी असर पड़ता है। वहीं अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से भी आंखों की तकलीफें बढ़ रही हैं। कॉर्निया, पलकों और सिलेरिया और यहाँ तक कि लेंस पर भी पर्यावरण का असर होता है। आंखों का एयर पॉल्यूशन के संपर्क में आने के बाद देखे जाने वाले लक्षण और इसके संकेत चलिए आपको बताते हैं। आंखों में लाली और जलन जैसी सनसनी, आंखों से पानी बहना, आंखों में गंभीर खुजली, लाली डिस्चार्ज, आंखों की सूजन और आंखें खोलने में कठिनाई के साथ एलर्जी, संक्रमण का बढ़ा हुआ जोखिम, आंखों में किरकिरापन जैसी सनसनी, नजर से जुड़ी समस्याएं, कमजोर दृष्टि, रंगों और दृश्यों को समझने में कठिनाई, आंखों में सूखेपन का रोग या ड्राई आई डिजीज, मोतियाबिंद, कैंसर। क्या है खतरे? वायु प्रदूषण लंबे समय से सांस प्रणाली की समस्याओं का कारण तो बन ही रहा था, लेकिन हाल ही में इसका असर आंखों पर भी नजर आने लगा है। लकड़ी या कोयले जलाते समय इनके कण आंखों में चले जाएं तो संक्रमण हो सकता है। इस वजह से पलकों के अंदर जख्म हो सकते हैं, जिससे पलकें अंदर की ओर मुड़ जाती हैं और कॉर्निया से रगड़ खाने लगती है। इससे आंखों को और नुकसान पहुंच सकता है और ये समस्या ज्यादा बढ़ने पर नजर तक जा सकती है। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओजोन की क्षति होने से अल्ट्रावायलेट किरणों का असर बढ़ रहा है, जिससे कार्टिकल करेक्ट का खतरा बढ़ जाता है। सूर्य की खतरनाक किरणों के लगातार संपर्क में आने से आंखों के लेंस के प्रोटीन की व्यवस्था बिगड़ सकती है। इससे लेंस एलिथीलियम को क्षति पहुंच सकती है, जिससे लेंस धुंधला हो जाता है। कैसे बचे? एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेड पहनने से यूवी का असर 30% तक कम हो जाता है। यूवी प्रोटेक्शन वाला साधारण धूप वाला चश्मा लगाने से 100% सुरक्षित हो सकती है। कहते हैं कि पूरे समाज को आंखों को होने वाले गंभीर नुकसान के बारे में जागरूक होना चाहिए। भारतीयों में पहले ही विटामिन डी की कमी है, इसलिए इन सावधानियों पर गौर करना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।